यह तस्वीर हरियाणा के नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिट्टू बजरंगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर दिखा। फरीदाबाद की रैली में योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी थे, तभी बिट्टू बजरंगी भी मंच पर पहुंचा। वो मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को साइड करके सामने आता दिखाई दे। बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मन से उसने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। अब इस तस्वीर पर राजनीति हो रही। बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी का भी समर्थन लेने को तैयार है। योगी जी राजनेता के साथ साथ हमारे सनातनी गुरु भी हैं, उनके सम्मान के लिए मैंने समर्थन किया है अपने सतीश भाई फागना को। जोरदार तालियां भाई साहब। सभी सनातनी एक रहे और सनातन के बल पर ही हम योगी जी के सम्मान में आए हैं। लाखों वोटों से जीतेंगे। मेरी सभी से विनती जिताए सभी को। जय श्री राम। तो जाहिर है कि ये वही लोग हैं जो उनको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। जितने भी दंगाई है आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं से उनका लिंक संघ परिवार से मिल जाएगा। सही बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे बलात्कार के आरोपी, हत्या के आरोपी पेरोल पे छोड़े जाते हैं इनको समर्थन करने के लिए। ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। भाजपा चुनाव जीतने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, किसी का भी साथ लेने को तैयार है, चाहे वो दंगों का आरोपी हो, उपद्रवों का आरोपी हो, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे लूट वाला हो, कोई भी हो। वैसे दक्षिण हरियाणा में नूह हिंसा का मामला काफी चुनावी सरगर्मी रखता है। इस हिंसा का एक आरोपी बिट्टू बजरंगी निर्दलीय के तौर पर मैदान में था। वो अब बीजेपी को समर्थन दे रहा है, जबकि दूसरा आरोपी मामन खान नू के फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार है और वो फिलहाल जमानत पर बाहर। यानी राजनीति का मूल सूत्र वोट बैंक को साधना है। उसूल और आदर्श यहां चुटकियों में गायब हो जाते हैं।